ओ भाई साहब देखो, एक और ऐसे ट्रेन निकल रही है जैसे कोई रॉकेट निकल गया। ये स्पीड हमें इंडिया में देखनी है भाई, कसम से। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया की सबसे फास्ट चलने वाली ट्रेन में यात्रा करवाने वाला हूँ। वो बीजिंग से शंघाई के बीच चलती है, एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे ये चलती है। और उस ट्रेन की स्पीड है 350 किलोमीटर, मतलब 250 किलोमीटर वाली तो यहाँ पे नॉर्मल है, हर जगह आपको ट्रेन मिल जाती है, लेकिन 350 किलोमीटर वाली यहाँ पे एक ही जगह पे मिलती है। तो ये टिकट मैंने सेकंड क्लास 6,500 रुपए में करवाई है और इसके लिए मैं यहाँ स्टेशन पे भी आ चुका हूँ। इससे भी ऊपर आपको फर्स्ट क्लास टिकट मिलती है, उसके ऊपर आपको बिजनेस क्लास मिलती है, वो बहुत ही ज्यादा महंगी है। मतलब ये सारी टिकट आपको फ्लाइट से भी महंगी मिल रही है। तो अभी आ चुका हूँ और ट्रेन भी दिखाऊंगा थोड़ी देर में, हम ट्रेन में बोर्ड करने वाले हैं। स्टेशन देखोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, इतना बड़ा स्टेशन है मेरे पीछे आप देख सकते हैं। और इस तरफ देखो आपको पूरा बहुत ही बड़ा बिल्डिंग है और इसके नीचे 3 फ्लोर तक है और उसके नीचे मेट्रो भी है। मतलब एक आम सीधे साधे इंसान को तो स्टेशन का प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता कि जाना किधर है। मैं खुद नीचे घूम रहा था, फिर बाद में पता चला कि ऊपर जाना है। तो ये वाला सीन है, यहाँ पे लाखों लोगों की भीड़ आपको दिखाई देगी और मैं भी यहाँ पे इस भीड़ में पहुँच चुका हूँ। इसी स्टेशन पे आपको सारे ऑटोमेटिक मशीन मिल जाएंगे और इसी स्टेशन पे आपको पावर बैंक भी मिल जाएगी। देख लो भाई, चाइना के हर रेलवे स्टेशन पे बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन भी लगी होती है। तो फाइनली हम फास्ट ट्रेन में बोर्ड होने जा रहे हैं। चेकिंग वगैरह हो गया यहाँ पे टिकट, तो अभी आपको दिखाते हैं दुनिया की सबसे फास्ट चलने वाली ट्रेन। तो भाई यहाँ से तो दिखने में वैसे ही दिख रही है जैसे 250 किलोमीटर वाली चलती है, वैसी ये दिख रही है, लेकिन ये चलती 350 किलोमीटर है। अब भाई मुझे तो पूरा डाउट लगने लगा कि ये सारी ट्रेन 350 किलोमीटर नहीं चलती है, मुझे ऐसा लग रहा है, फिर पता नहीं, देखते हैं। जब ट्रेन स्टेशन पे आती है ना तो जो पहले सवार लोग है वो इधर उतर रहे हैं और सिगरेट विगरेट मारते हैं इधर। तो कुछ ऐसी है हमारी ट्रेन, दिखने में अंदर से कुछ ऐसी है और अंदर डिस्प्ले वगैरह लगे हैं। 11C हमारी सीट है, वो विंडो साइड नहीं है, इधर वाली है। तो ये ऑटोमेटिक खुलते बंद होते ट्रांसपोर्ट दरवाजे, ये देखो। और यहाँ पे आपको पानी भी मिलता है। सब देखने वाली बात ये है कि यह क्या वाकई 350 किलोमीटर चलती है या नहीं, ये समय बताएगा। और इस ट्रेन के कोच की बात की जाए तो 250 किलोमीटर जो चलती है वही सेम यहाँ पे लग रही है, बस यहाँ पे थोड़ा डिजिटल जो स्क्रीन वगैरह लगी ना वो थोड़ा सा अलग दिख रहा है। मैंने जब टिकट खरीदा ना उसको 3 बार कन्फर्म किया कि मुझे 350 किलोमीटर जो चलती है उसी की टिकट देना, उसने बोला हाँ यही चलेगी। तो अब वो तो देखने वाली बात है, लेकिन फिलहाल ट्रेन में हम बोर्ड हो चुके हैं और थोड़ी देर में ट्रेन यहाँ से निकल जाएगी, सिर्फ 6 मिनट बाकी है। So, finally, दरवाजे बंद हो गए हैं ट्रेन के। तो अब यहाँ से हमारी ट्रेन बीजिंग से निकल गई शंघाई के लिए, फाइनली आप देख सकते हैं। और निकलते इसकी स्पीड तो भाई अच्छी खासी है, देखो अभी तो स्टार्ट ही हुई है। आप महसूस कर सकते हैं, जब स्पीड यहाँ पे दिखाएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि टॉप स्पीड अभी क्या है। ये एक बहुत बड़ा सा स्टेशन था जहाँ से हमारी ट्रेन अभी निकली है। ये देखो यहाँ पे लाल कलर वाली जो ट्रेन है पड़ी ना वो भी फास्टेस्ट ट्रेन है। ये स्टेशन था देख लो भाई, बीजिंग का, बीजिंग साउथ। ऐसे ऐसे 3-4 स्टेशन है यहाँ पे बने हुए, एक नहीं है। तो अब थोड़ी देर में झलक दिखलाएगी ये ट्रेन क्या स्पीड 350 होती है या नहीं, या फिर हमारे साथ मजाक होगा। तो ये कुछ बीजिंग सिटी के नज़ारे हैं भाई, यहाँ पे कोई बड़ी बिल्डिंग है ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है,
बीजिंग शहर में कोई बिल्डिंगें नहीं है इतनी बड़ी बड़ी, कुछ भी नहीं। मैं जो सोच रहा था वैसा कुछ भी नहीं यहाँ पे। ये एक नॉर्मल सा शहर है और यहाँ पे कोई 25 मिलियन के आसपास लोग रहते हैं और बहुत शांत और ठंडी जगह है और ये पॉलिटिक्स का जो मेन लोकेशन है इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस है। तो अभी भाई दिखाया 302 किलोमीटर की स्पीड थी, लेकिन अभी 350 तो पहुँची नहीं है, 302 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। और बाहर देखो, बाहर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। किलोमीटर भी कम नहीं है भाई, 302 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। नॉर्मल ही लग रहा है, जैसे हम नॉर्मल ड्राइव में बैठ रहे हैं, कोई ज्यादा शोर शराबा भी नहीं है और एकदम स्टेबल चल रही है। ये देखो भाई 305 किलोमीटर अभी दिखा रहा है बोर्ड पे, और 305 किलोमीटर चलने पे बाहर कैसा दिखता है ये देख लो। ढाई सौ वाली में या 200 वाली में या 300 वाली में कोई फर्क ही नहीं लग रहा है यार, सब बाहर एक जैसा ही दिख रहा है। उतनी स्पीड से चल रही है 300 किलोमीटर, हम 130 किलोमीटर की स्पीड पे चलती हुई ट्रेन भी देखते हैं तो थोड़ा हैरान होते हैं। यहाँ पे 307 किलोमीटर भी ऑन बोर्ड दिखा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे देखो, ये भी कोई स्पीड है यार। मुझे लगता है कि 307 चल सकती है तो ये 350 भी चल जाएगी ऐसा लगता है। जब सामने से दूसरी ट्रेन आती है ना, एक झटका सा महसूस होता है कि वो प्रेशर से हमारी ट्रेन जैसे इस तरफ खिसक गई हो, और जैसे ही वो ट्रेन निकल जाती है तो वापस वैसी जगह पे आ जाती है, ऐसा फील होता है। और एक सेकंड भी नहीं लगता कि तब तक दूसरी ट्रेन यहाँ से सामने से निकल जाती है। अभी हम पहुंचे हैं तियानजिन, तो यहाँ पे देखो बहुत ही ऊंचा टावर बन रहा है। बीजिंग से मुझे लगता है कोई 100 किलोमीटर दूर, क्योंकि आधा घंटा ट्रेन चली है तो 100 किलोमीटर तो आ ही गई होगी। 300 की स्पीड से चला रही भाई साहब। किस तरह से तेजी से चीजें निकल रही है ना पीछे भाई साहब। तो भाई अभी एक स्टेशन पे पहुंचे हैं, ट्रेन यहाँ पे कुछ देर के लिए रुकी है और हमारी ट्रेन 300 से ज्यादा की स्पीड से नहीं चल रही है, 308-307 स्पीड से चलती है। हेलो ये देखो भाई एक ट्रेन वहाँ से निकली है अभी, और कितने कब स्पीड पकड़ दी है देखो, निकलते ही स्पीड पकड़ लेती है तुरंत। एयरपोर्ट है भाई यहाँ पे, वो भाई साहब इशारा मिल गया कि अंदर जाओ अंदर जाओ। और यहाँ पे कुछ पहाड़ी इलाका है भाई, देखो खूबसूरत पहाड़ भी दिखाई देते हैं भाई। ऐसा नहीं है कि ये ट्रेन हाई स्पीड नहीं है, ये ट्रेन भी हाई स्पीड ही है, लेकिन ट्रेनों की एक लिमिट रखी होती है कि ये ट्रेन इतने स्पीड पे चलेगी। स्टॉपेज ज़्यादा होते हैं ना तो उसकी ट्रेनों की स्पीड थोड़ी कम कर दी जाती है, जैसे इसके 307-8 लिमिट है। इसी क्लास की ट्रेन जी है, जी क्लास की जो भी ट्रेन है ना वो 350 की स्पीड तक चलती है। 306 किलोमीटर की स्पीड से चलती इस ट्रेन में पानी की बोतल 170 रुपया, आधा लीटर पानी 170 रुपया। तो वह फैसिलिटी का पैसा इस कदर लगेगा, अगर आपको भी बुलेट ट्रेन चाहिए तो समझ लीजिए बहुत भयंकर डीली करनी पड़ेगी। वो भाई साहब एक और स्टेशन पे रुकी और यहाँ पे एक ट्रेन जितनी स्पीड से निकली ना, मैं जब तक यहाँ से नजर दौड़ा था ट्रेन यहाँ से बहुत दूर निकल चुकी थी। तो बहुत तेज स्पीड से ट्रेन भागती है और जैसे ही स्टेशन पे रुकती है कुछ भाई साहब सिगरेट विगरेट पीने वाले बाहर आ जाते हैं और बस बढ़िया से सिगरेट विगरेट पीते हैं, कुछ देर खड़े रहते हैं। अगर हम कुछ देर में यहाँ पे कोई ट्रेन आती हुई दिखाई दी तो आपको मैं जरूर दिखाऊंगा। और ये है यहाँ पे चलने वाली हाई स्पीड ट्रेन, ये भी 307-8 की स्पीड से चलती है, तो ये भी हाई स्पीड ट्रेन ही है, ये नॉर्मल ट्रेन नहीं है भाई।
और शायद हमारा नसीब हो तो कोई ट्रेन यहाँ पे आती हुई दिख भी जाए, क्योंकि यहाँ हर सेकंड में एक ट्रेन आती रहती है। और ट्रेन से वहाँ से मैसेज मिलता है भाई चलो अंदर बैठो, तभी सब लोग अंदर जाते हैं। अब ये कौन सा स्टेशन है इसके बारे में मुझे, ओ भाई साहब देखो हैरान कर देने वाली, एक और गॉड, ये तो बहुत ही धुआंधार स्पीड थी भाई, हैरान कर देने वाली स्पीड थी। ऐसे ट्रेन निकल रही है जैसे कोई रॉकेट निकल गया। ओ माय गॉड, ये स्पीड हमें इंडिया में देखनी है भाई कसम से। शायद आई होप कि ऐसा जल्दी कुछ हमारे वहां पे भी होगा। अभी तक तो कोई इशारा नहीं मिला, लोग बाहर खड़े हैं। जब तक वो मैडम जी बाहर खड़े हैं तब तक हम भी बाहर खड़े रह सकते हैं। और जिस तरह से ट्रेन निकली है ना भाई, एक ही सेकंड में, मतलब मुझे लगता है हमारी ट्रेन को थोड़ा साइड में कर दिया गया, क्योंकि जब हाई स्पीड ट्रेन आने वाली हो रहा तभी इस तरह से। और यहाँ पे सिगरेट विगरेट पीते हैं, यहीं पे फेंक देते हैं लोग। तो ये जो ट्रेन थी ना, वैसी ट्रेन हमारी स्पीड से चल रही है, लेकिन हमारी ट्रेन की जो है अभी इसमें स्टॉप बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। बाकी जो स्पीड है ना वैसी की वैसी है, 307 किलोमीटर, बहुत ही ज़्यादा है। ओके भाई, फाइनली अब हमारी ट्रेन, दरवाज़ा बंद होने वाला, सब लोग अंदर बैठ गए। देख लो भाई, सेकंड नहीं लगती है ट्रेन यहाँ से गुजर जाती है। तो इस तरफ जो चाइना का पार्ट है वो मैदानी इलाका है, और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया खेती बाड़ी होती है, छोटे छोटे घर देख सकते हैं आप यहाँ पे, और काफी अलग प्रकार का यहाँ पे पार्ट है। दूसरी तरफ पूरे माउंटेन वगैरह है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए इसी रूट पे सबसे फास्ट ट्रेन चलती है। दूसरी जगह, सारी जगह पे आपको टनल और ये सब देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे थोड़े खेत और मैदानी इलाके, एकदम समतल एरिया देख लो आप, यहाँ पे चावल और गेहूँ की खेती होती है, और कुछ आबादी घनत्व काफ़ी लग रहा है, घर एकदम पास पास में। फिर एक बार खेत खाली दिखेंगे, फिर से आपको पूरा घर दिखेंगे, ऐसा ही सीन है, पूरा गांव जैसा सीन दिख रहा है आपको, देख रहा हूँ। बीच बीच में कहीं पे आपको कुछ पवन चक्कियाँ दिखेगी। तो ये है चाइना के कुछ नज़ारे, और ये है छोटे छोटे किसान वगैरह, इन्हीं के बीच में से चलती है ये वाली ट्रेन जो ऊपर चलती है, ब्रिज बना रखा है, और साइड में जो दीवारें जैसे कुछ सीन बना रखी है ताकि कोई भी यहाँ पे आ ना सके, ऐसा ही सीन चलता रहता है चाइना में। बहुत ही ज़बरदस्त हाईटेक चीज़ें सब कुछ बनाई गई है। 302 की स्पीड से चलती हुई हमारी ट्रेन, ये तो नॉर्मल है भाई, बिल्कुल। लोग किताबें भी पढ़ते हैं भाई, फोन के चक्कर में किताबें पढ़ना ना भूले, इस बात का जरूर ख्याल रखें। किताबें आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बोलना सिखाती है, हर चीज़ किताबों से सीखने को मिलता है। ये देखो भाई, यहाँ पे खूबसूरत टेंपल जैसा कुछ सीन है पहाड़ के ऊपर, और हमारी ट्रेन कंटिन्यू 307 की स्पीड से चलती है। तो अभी हम पहुंच गए हैं नानजिंग रेलवे स्टेशन पे,
ये भी काफी बड़ा रेलवे स्टेशन है और यही हाल है यहाँ पे। देखो कितने सारे प्लेटफॉर्म वगैरह है सब कुछ, और अभी सब लोग यहाँ पे बाहर खड़े, तब तक भी यहाँ पे खड़े दो मिनट के लिए जब तक ट्रेन खड़ी है, दो मिनट का वक्त है। और अभी अभी मैंने देखा एक हाई स्पीड ट्रेन निकली थी। चलो भाई अंदर, अरे बीड़ी पी के यहीं फेंक दे। वेलकम टू शंघाई। तो शंघाई आ गए भाई साहब हम लोग, 6 घंटे की जर्नी थी, 1200 किलोमीटर के आसपास। अभी हम चलेंगे यहाँ से शंघाई शहर के अंदर। देखो शंघाई होंगकियो, मतलब ये पूर्वी ऐसा कुछ होता है ना, उसको होंगकियो बैं ऐसा नंबर नाम वगैरह होता है। तो ये कुछ स्टेशन है, ये कोई हमारी ट्रेन थी, और ये 350 नहीं चलती भाई, ये 307-8 तक चलाते, इससे ज्यादा नहीं चलाते। तो अभी हम इस भीड़ में सवार हो गए और चलते चलते हुए आपको शंघाई स्टेशन दिखाते हैं भाई। अंदर देखो ये सब आने की जगह है, ऊपर ट्रेने हैं, नीचे ऐसे खांचे बने हुए, वहां से अंदर आना है। तो भाई हर शहर की तरह यहाँ पे भी एक बहुत ही बड़ा स्टेशन, बहुत ही बड़ा स्टेशन। अब हम चलते हैं यहाँ पे मेट्रो में। वेलकम टू शंघाई। इस तरफ एक मल्टी फ्लोर कार पार्किंग है, इस तरफ आपको बहुत बड़ा एक मेट्रो स्टेशन और उस तरफ फिर पार्किंग। अभी हमें जाना है सबवे लाइन 2 में, तो शायद नीचे की तरफ होगा या फिर सीधा ही जाना है। कुछ लोग यहाँ पे सो रहे हैं, देखो यहाँ पे भी हैं, एक बंदा वहाँ पे भी है, एक वहाँ पे भी कोने में बैठा हुआ सुख के देखो। तो भाई आपका भाई रात के अंधेरे में शंघाई की अंधेरी गलियों में, यहाँ पे मैं चल रहा हूँ तो कुछ फैक्ट्रियां थी कचरे वचरे की, पुट्ठे की ये सब, और ऐसी गलियां हैं। ये ऊपर देख रहे मेट्रो की लाइन है, ये मेट्रो आई देखो यहाँ से। ये देखो पता नहीं हमारा हॉस्टल इस तरफ है, यहाँ सब कबाड़ी वाले घूम रहे हैं और कोई ज्यादा हलचल नहीं है इस तरफ शंघाई की गलियों में, हमारा हॉस्टल इधर ही कहीं है। सामने आपको दिखेगी कुछ बिल्डिंग है वगैरह इधर तरफ, लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो ये है कोई घटिया एरिया ही। चलो ठीक है, देखते हैं शंघाई के शहर में। ये कुछ व्हीकल यहाँ पे भंगार के रूप में छोड़ दिए हैं, शायद कोरोना टाइम के, अभी इनको कोई हाथ भी नहीं लगा रहा। ये देखो यहाँ पे सारी ऐसी फैक्ट्रियाँ ही दिखेगी, कुछ बास्केट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ऐसा कुछ अंधेरा गुप्त एरिया है, और इसी तरफ का हमारा हॉस्टल है। देखते हैं कहाँ जाके हम मिलते हैं। लोग आ रहे हैं ना, लोगों का चेहरा नहीं दिखता, गुफ अंधेरा दिखता है काला काला। इस हिसाब से देखा जाए तो शंघाई मुझे लगता है पूरा कॉमर्शियल ही है। देखो यहाँ पे एक ट्रक भी आ रहा है, और ये ब्रिज के नीचे भी कुछ ऐसा ही बना रखा है। ये देखो एक छोटी मोटी दुकान है राशन पानी की। तो अभी हम पहुंच गए शंघाई, अगले वीडियो में आपको मिलते हैं। हॉस्टल हमारा है जो भी है, अभी हमें आराम करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।